मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स G7 बाबा दीप कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के सामने सियागंज इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54 विजयनगर इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट 45 जति कॉलोनी रामबाग इंदौर। PNG क्लासेस हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर 6 MG रोड इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा वन बैंक कॉलोनी अपोजिट दशरथ मैदान अंटीना रोड इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज EB रोड इंदौर। रत्न हाउस होटल सयाजी इंदौर। श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का हुआ प्रीव्यू। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने प्रदर्शित की चमचमाती ट्रॉफी। भारत में सबसे पहले इंदौर में हुआ प्रदर्शन। वर्ल्ड कप ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम में रहा मंत्री गुट का जोर। MPCA सदस्य को नहीं मिली तवज्जो। नाराज मेनर और भार्गव ने किया बहिष्कार। CET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की होगी जांच। विद्यार्थियों के हंगामे के बाद कुलपति ने की जांच कमेटी गठित। जांच के बाद की होगी काउंसलिंग। दो स्थानों पर क्राइम ब्रांच का छापा। स्कूल की आड़ में चल रहा नकली मीठी सुपारी का कारखाना व पैकेजिंग फैक्ट्री पकड़ी। 15 से 20 लाख का माल जब्त। निजी स्कूल उड़ा रहे RTE कानून की धज्जियां। गरीब बच्चों को नहीं दे रहे प्रवेश। प्रवेश पा चुके बच्चों को कर रहे बेदखल। संवेदनशील क्षेत्रों में किया रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च। त्योहारों के पहले पुलिस की तैयारी। और हत्या का फरार इनामी गुंडा कपिल सोनकर गिरफ्तार। कई महीनों से था फरार। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस की सक्रियता का असर। सितंबर में होने वाले ICC वर्ल्ड कप T20 ट्रॉफी का अनावरण बुधवार को पहली बार इंदौर में किया गया। ट्रॉफी का अनावरण भारतीय टीम के ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने किया। इस अवसर पर MPCA के सदस्यों सहित उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक ध्रुव नारायण सिंह भी उपस्थित थे। वर्ष 2010 में वर्ल्ड कप 2011 की ट्रॉफी का गवाह बन चुका इंदौर बुधवार को एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का गवाह बना। लेकिन अनावरण के पहले उन लम्हों को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया जब भारतीय टीम ने वर्ष 2007 और 2011 में दोनों ही फॉर्मेट में जीत हासिल की थी। विश्व भर में पहली बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण इंदौर में हुआ। ट्रॉफी का अनावरण भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय टीम को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जीत की शुभकामनाएं देते हुए वीरेंद्र सहवाग को फारूक इंजीनियर और श्रीकांत के बाद टीम का सबसे बड़ा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज बताया। उन्होंने सहवाग से इस बात का वादा भी किया कि अगर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंचती है तो वे खुद फाइनल मैच देखने के लिए श्रीलंका आएंगे। समझता मैं पिछले 25 वर्ष से क्रिकेट देख रहा हूँ। फारूक इंजीनियर की मैंने ओपनिंग देखी है, तब से काफी ओपनर्स को देखा। फारूक इंजीनियर ने प्रभावित किया था, श्रीकांत ने प्रभावित किया था। मुझे लगता है उसके बाद सबसे ज्यादा आक्रामक ओपनिंग बैट्समैन अगर कोई है की है किसी ने तो वीरू भाई ने ही होगी। वो मैच देखने हम कोलंबो आएंगे आपके, ये प्रॉमिस करते हैं हम। हालांकि इस अवसर पर थके होने की वजह से सहवाग ज्यादा समय खामोश ही रहे और अनावरण अवसर पर औपचारिक भाषण ही दिया। So,
अनावरण के पूर्व इंदौर एयरपोर्ट पर सहवाग की अगवानी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। ट्रॉफी अनावरण के इस यादगार अवसर पर एमपीसीए के सदस्यों के अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक ध्रुव नारायण सिंह और रमेश मेंदोला मौजूद थे। टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अनावरण समारोह में उस समय एक बार फिर एमपीसीए और आईडीसीए के मतभेद सामने आए जब ट्रॉफी अनावरण के लिए एमपीसीए के किसी भी पदाधिकारी को मंच पर नहीं बुलाया गया। मंच पर नहीं बुलाए जाने की वजह से एमपीसीए के सदस्य नाराज होकर कार्यक्रम से चले गए। बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के अनावरण समारोह में एमपीसीए के नरेंद्र मेनन और एमके भार्गव को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब अनावरण के अवसर पर उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया तो वे नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए, क्योंकि मंच पर सिर्फ मंत्री खेमा ही नजर आ रहा था। अनावरण के बाद जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से संबंध में जानना चाहा तो उनका कहना था कि यह कार्यक्रम रिलायंस ग्रुप का था और मंच पर किसे बुलाना किसे नहीं बुलाना यह उनको तय करना था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एमपीसीए का एक अलग कार्यक्रम होलकर स्टेडियम में होना है, इसलिए वे मंच पर नहीं आए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं राजनेता जरूर हूँ लेकिन खेल में राजनीति नहीं करता। होस्ट नहीं किया, ये रिलायंस वालों ने होस्ट किया, उनका क्या कार्यक्रम था मुझे पता नहीं। उन्होंने मुझे अतिथि करके बुलाया था, मैं आया। अब किसको मंच पे बुलाना था किसको नहीं बुलाना था ये तय करना उनका काम था, मेरा। मुझे लगता है कि एमपीसीए को उन्होंने कार्यक्रम दे रखा है पहले से ही, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि स्टेडियम में, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि ये इस कार्यक्रम में कोई आवश्यकता नहीं, ये उनके सोचने का। अनावरण समारोह छोड़कर जाने वाले एमपीसीए के सदस्यों में से सचिव नरेंद्र मेनन ने अपनी नाराजगी पर से पर्दा उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वहां उनका अपमान होने वाला है तो वे वहां नहीं जाते। वहां तो मंच पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक नाता नहीं। अब वह इस पूरे मामले की शिकायत बीसीसीआई और आईसीसी को करेंगे। जो रिलायंस ग्रुप के एक ऑफिसर थे उनको मैंने फोन करके बोला कि आपने संजय जी को बुलाया कि नहीं, क्योंकि मेरी जब संजय से बात हुई तो संजय ने बोला मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं फंक्शन के बारे में। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फिर इमीडिएटली संजय को सबको फोन लगा के बोला कि सर आपको कल इन्विटेशन है करके। तो संजय का ऑलरेडी आज सुबह कहीं ऑलरेडी उसने पहले से किसी को बोल दिया था, तो संजय ने तो मना कर दिया कि यार मैं ऑलरेडी मैंने किसी को बोल दिया है तो मैं तो नहीं आऊँगा। फिर हम लोगों को उन्होंने शाम को भी रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप लोगों को आना आइए। अब आप लोगों ने देखा हम सुबह आए, सबसे आगे मैं भार्गव साहब वगैरह सोफे में बैठे थे, हमारे साथ कैलाश भाई आके बैठे। अब कुछ ऐसे लोग थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। अब ये षड्यंत्र है ये तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों को तो ये बोल के बुलाया था कि अनवेलिंग आप लोगों से कराएंगे। अब ये तो नहीं कह सकता मैं उनका प्लानिंग था कि क्या प्लानिंग के बारे में, तो क्योंकि अगर सुभाष अगर ऐसी शुरू से अगर हमको मालूम होता तो हम जाते ही नहीं फंक्शन में। वहीं इस पूरे मामले पर बीसीसीआई के संजय जगदाले कुछ भी बोलने से बचते रहे। फिर भी बीसीसीआई को मामले की शिकायत किए जाने पर उनका कहना था कि शिकायत मिलने पर विचार करेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दी कि खेल में सिर्फ खेल ही रहना चाहिए। टाइम तो जाने पर आज शाम को रात को ही किया था मुझे, तब तक मैं कहीं कमिटमेंट तो ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट मुझे मालूम है। ऑफिशियली कोई मेल या कोई कंफर्मेशन नहीं सर, जिस तरह से भी जो वाइब पूरा इंस्टाग्राम में तो कुछ पता हुआ होगा। नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये तो मैंने रिक्वेस्ट की थी 10 मिनट नहीं, मेरे को मामला मालूम ही नहीं है तो मैं क्या शिक्षा। मैं इतना जानता हूँ कि खेल खेल ही रहना चाहिए, बस इतना कह सकता हूँ। हालांकि आमतौर पर एमपीसीए के पदाधिकारी मीडिया से चर्चा करने में कतराते हैं, लेकिन इस मामले के बाद पदाधिकारियों को खुलकर मीडिया के सामने आना और बयान देना इस बात का सबूत है कि वे इस विवाद का लाभ आगामी एमपीसीए चुनाव में लेना चाहते हैं। बहरहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एमपीसीए के कितने सदस्य अगले एमपीसीए चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को अपना समर्थन देते हैं। देवल्या विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी के घोषित हुए नतीजे पर विवाद के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल छात्रों ने सीईटी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए बुधवार को यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि सीईटी की परीक्षा में निजी कोचिंग क्लासेस संचालकों के साथ साठगांठ कर आम छात्रों के साथ धोखा किया गया है। कुलपति ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जाँच के लिए तत्काल उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 14 सालों से जारी सीईटी की परीक्षा इस बार गंभीर आरोपों में उलझ गई है। दरअसल सीईटी का रिजल्ट घोषित होते ही छात्रों का पारा चढ़ गया और छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। सीईटी दे दे
दरअसल छात्रों ने प्रदर्शन के साथ ही कुलपति डीपीसीए के सामने ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जिससे खुद कुलपति भी हैरान रह गए। छात्रों ने प्रमाण के साथ आरोप लगाया कि सीईटी के कर्ता धर्ताओं ने निजी कोचिंग संचालकों के साथ मिलकर धांधली की है। सारी साठगांठ से बनाई और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये लोग पढ़ते हैं उसके लिए पूर्व में पेपर में स्टिंग ऑपरेशन हुआ रहता है। स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने बता दूंगा, रिकॉर्डेड सीडी दी गई है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उसको आईएमएस में उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सीईटी के पहले सेमिनार करने की और बच्चों को ये बताने की कि तुम इतने पैसे दोगे या ऐसा करोगे तो तुमको हम कैसे एडमिशन कराएंगे इसकी परमिशन। छात्र नेता गौरव रणदिवे ने बताया कि सीईटी की परीक्षा में सेटिंग और चीटिंग का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है जिसकी सजा आम छात्रों को भुगतना पड़ी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय में इससे गंभीर मामला आज तक नहीं आया है। विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का और कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों का आपसी लेन देन और आपसी मेल मिलाप जो इस प्रावीण्य सूची में सामने आया है, मैं आपके सामने नाम बता दूं। एक रोल नंबर है 202518 अजय अनिल कुमार द्विवेदी और एक रोल नंबर है 202517 अजय कुमार द्विवेदी। ये दोनों आगे पीछे बैठे हैं, ये सगे भाई हैं, ये मूल रहने वाले ग्वालियर के हैं, यहाँ से शिक्षा इंदौर से अर्जित कर रहे हैं और इन्होंने परीक्षा जाके दी दिल्ली के एक छोटे से सेंटर पे। इससे आप जान सकते हैं कि सीईटी में कितना गड़बड़ हुई है। इसमें से इनका एक जो भाई है बड़ा अजय कुमार, वो आईआईटी पास आउट है। एक आईआईटी पास आउट स्टूडेंट को सीईटी जैसी यूनिवर्सिटी लेवल की एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत, और उसी का सगा भाई पीछे बैठता है और वो प्रावीण्य 10 में आते हैं। इसी प्रकार मैंने एक और चीज़ पे माननीय कुलपति जी का ध्यान आकर्षित किया है, 20448 जितेश गुप्ता करके हैं ये, जो कि एक कोचिंग संचालक हैं। कौटिल्य एकेडमी और हेडेक कोचिंग, ऐसी दो कोचिंग क्लासेस में ये पढ़ाते हैं और ये सीईटी ही पढ़ाते हैं। इन्हीं का एक छात्र है 20449 अर्पित गावड़े। ये दोनों आगे पीछे बैठे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक सीईटी की एग्ज़ाम देने बैठा, उसी के पीछे उसी कोचिंग का एक स्टूडेंट बैठा और दोनों ग्रुप ए की प्रावीण्य सूची में 10 टॉप 10 में आ रहे हैं। वहीं छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी लगते ही कुलपति ने सीईटी से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। कुलपति ने यह भी साफ कर दिया कि कमेटी को जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द देना होगी। नहीं, यूनिवर्सिटी में तो जैसे ही मेरे ध्यान में चीज़ें आई, मैंने तत्काल कुल सचिव जी को दूरभाष पर सुबह सुबह बताया था और कहा था कि इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी बताएं, लेकिन अभी जो मुझे ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों की ओर से और अन्य की ओर से, इसमें जो बिंदु अंकित किए गए हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, तो विश्वविद्यालय निर्णय लेता है कि इसके बारे में तत्काल एक समिति गठित की जाएगी और इन बिंदुओं पर अपना प्रतिवेदन देगी और प्रतिवेदन आने के पश्चात ही जो हमारी काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल छात्रों ने जिस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे सीईटी में हुई बड़ी गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यदि जांच कमेटी निष्पक्ष होकर सूक्ष्मता से विश्लेषण करे तो पूरा मामला एक बड़ी धांधली में तब्दील हो सकता है। क्राइम ब्रांच की टीम ने अन्नपूर्णा और एरोड्रम थाना क्षेत्र में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋतिक ब्रांड के नाम से नकली सुपारी और पैकेजिंग पाउच बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की। दो जगह हुई छापामार कार्रवाई में पुलिस ने सुपारी बनाने और पैक करने का लाखों रुपए कीमत का माल और मशीन जब्त की। छापे के दौरान पुलिस ने 3 कर्मचारी और पैकेजिंग फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में लिया है। उज्जैन में बनने वाली ऋतिक गोल्ड मीठी सुपारी के प्रबंधन को पिछले 2 महीने से सूचना मिल रही थी कि इंदौर में उनकी कंपनी के नाम से बनाई जाने वाली नकली और घटिया सुपारी बेची जा रही है। जानकारी पुख्ता होने के बाद कंपनी के मालिक शैलेंद्र करोड़िया ने क्राइम ब्रांच के अफसरों से शिकायत की। क्राइम ब्रांच ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सूर्यदेव नगर और एरोडम थाना क्षेत्र के रामबली नगर स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस को सूर्यदेव नगर के मकान से 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की ऋतिक गोल्ड के नाम से बनाई जा रही सुपारी मिली। पुलिस को 2 क्विंटल से ज्यादा कच्ची सुपारी, 500 लीटर चाशनी, पाउच, पैकेजिंग सामग्री, मिक्सर मशीन और दर्जन भर से ज्यादा ऋतिक गोल्ड के नाम से पैक सुपारी की बोरियां मिली। खास बात यह थी कि जिस मकान में फैक्ट्री चल रही थी उसमें पहले स्कूल लगाया जाता था। स्कूल के बंद होने के बाद से स्कूल की बिल्डिंग की आड़ में नकली सुपारी बनाई जा रही थी। फैक्ट्री में काम करने वाले 3 कर्मचारियों में सत्यनारायण निवासी उज्जैन
राकेश जैन और तुलसी पिता रघुवीर को मौके से हिरासत में लिया है। कर्मचारी राकेश के मुताबिक फैक्ट्री नीलेश दरियानी की है। ये सुपारी बनती है, किसका है ये स्कूल, किसका है, मालिक कौन है इनके? स्कूल तो नहीं, वो सेठ का नाम नीलेश है। क्या नाम है, पूरा नाम बताओ। नीलेश, आज नहीं आया वो। अच्छा, क्या क्या बनता है यहाँ पे? ये मेरे सामने तो यही बनती। क्या ये सुपारी देती है? शिकायत करने पहुंचे ऋतिक गोल्ड सुपारी फैक्ट्री के मैनेजर सैयद तारिक ने बताया कि फैक्ट्री में मिले माल की कीमत 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। तो हम लोगों को 2 माह से जानकारी लग रही थी कि हमारी सुपारी नकली बनकर मार्केट में बिक रही है। तो हम 2 महीने की फील्डिंग, पूरी फील्डिंग कर रहे थे कि कहाँ बन रही है, कहाँ माल बिक रहा है, कहाँ हमारे लिमिट्स छप रहा है। 2 महीने से पूरी इसकी जानकारी निकालने के बाद हम लोगों को पूरे पक्का जब न्यूज़ लग गई कि हमें हाँ यही हमारा माल बिक रहा है और वहाँ दूसरी जगह जहाँ पर माल यहाँ बन रहा हो दूसरी जगह बिक रहा है, तो फिर हमने पूरी इसकी इंक्वायरी लेके हमने क्राइम ब्रांच के ऑफिस में संबंधित अधिकारियों को दी कि साहब हमारे साथ हमारा नकली माल बन रहा है और बिक रहा है। तो फिर आज पूरी क्राइम ब्रांच की टीम ने आके यहाँ पे दबिश डाली। आपका नाम फिर से मिला, आप जब कम से कम 10 से 15 लाख का माल है। 10 से 15 लाख, और वजन में इसको कैसे? वजन इसका कम से कम मान लीजिए आपकी ये वजन होगा 2 टन से ऊपर। अन्नपूर्णा पुलिस के SI राजेंद्र इंगले ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस मामले में जब्ती की कार्रवाई कर रही है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर एक ऋतिक गोल्ड के नकली प्रोडक्ट बनाने की खबर मिली थी। क्राइम ब्रांच और अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मिलकर यहाँ पर दबिश दी। यहाँ पर जो है लाखों रुपए का माल नकली ऋतिक गोल्ड बनाने का और उनकी मशीनरी और उनके कुछ केमिकल भी मिले हुए हैं अभी इसमें जो। वहीं क्राइम ब्रांच ने कंपनी की ही शिकायत पर एरोड्रम थाना क्षेत्र की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई में ऋतिक गोल्ड सुपारी के पाउच पैकिंग की सामग्री और पाउच छापने की मशीनें जब्त की। रामबली नगर में फैक्ट्री मालिक पुलिस के आने की सूचना पर माल लोडिंग में रखवा कर गायब करने का प्रयास कर रहा था, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच ने मौके से फैक्ट्री मालिक मनोज तिवारी और संजय तिवारी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस को नकली सुपारी के मामले में अब मुख्य आरोपी की तलाश है। क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ी गई नकली सुपारी की फैक्ट्री में जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली थी। सुपारी बनाने में खट्टी अदरची का माल इस्तेमाल किया जा रहा था जो स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। सूर्यदेव नगर में नकली सुपारी के फैक्ट्री के बाहर बिल्कुल स्कूल की तरह दीवार पर पेंटिंग बनी हुई थी, मगर अंदर दालान में करीब 1 टन से ज्यादा गीली सुपारी सूख रही थी जिस पर मच्छर मक्खी मंडरा रहे थे। मिठास के लिए हफ्तों पुरानी फफूंद लगी चाशनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। एसेंस भी निम्न स्तर का था। शिकायत करने वाले ऋतिक गोल्ड सुपारी के मैनेजर सैयद तारिक ने बताया कि जिस घटिया दर्जे के माल से ये सुपारी बनाई जा रही थी उससे किसी की भी जान पर बन सकती है। अरे ये तो बस ये समझ लो कि अगर इससे कोई मर जाए तो नाम हमारा खराब हो जाएगा इस कैटेगरी इस क्वालिटी। अरे बिल्कुल थर्ड क्लास, आपके सामने रखा, आप उस चीज को देखो ना, चाशनी के तपेले वहाँ रखे हैं क्योंकि ब्रांड हमारे नाम से ही है। खाएगा आदमी तो नुकसान तो हमारा, ब्रांड हमारी बदनाम होगी ना। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस भी माल की गुणवत्ता देखकर चौंक गई। ऋतिक गोल्ड बनाने का और उनकी मशीनरी और उनके कुछ केमिकल भी मिले हुए हैं अभी इसमें जो। हाँ, जो माल यहाँ जब्त हुआ है वो किस क्वालिटी का नजर आ रहा है पहली नज़र में? ये तो बिल्कुल निम्न स्तर का माल है और जो घटिया क्वालिटी का माल है। फैक्ट्री का मालिक नीलेश दरियानी अभी फरार है। ऋतिक गोल्ड के अधिकारियों ने खाद्य एवं औषधि विभाग को भी मामले की जानकारी दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 के विरोध में बुधवार को हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में वकील हड़ताल पर रहे। हड़ताल से कोर्ट में चल रहे मामलों में सुनवाई प्रभावित हुई। वकीलों की हड़ताल का स्टाम बेंडर, टाइपिस्ट और शपथ आयुक्त ने भी समर्थन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर स्टेट बार काउंसिल ने सभी अधिवक्ता संघ को पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 के विरोध में 11 और 12 जुलाई को वकील प्रतिवाद दिवस मनाएंगे।
पत्र आने के बाद इंदौर अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें हुए निर्णय के चलते बुधवार और गुरुवार को वकीलों ने विरोध दिवस मनाते हुए न्यायिक कार्य नहीं किया। वकीलों ने कोर्ट परिसर से बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बिल को वापस करने की मांग को लेकर अभिभाषकों ने संभागायुक्त कार्यालय पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि वकीलों की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए यह बिल लाया गया है। एजुकेशन बिल 2011 के विरोध में, जो कि आज स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत अभिभाषकों की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए यह बिल लाया गया है। विदेशी विश्वविद्यालयों को हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनको बंद करने की प्लानिंग की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। वकीलों के साथ साथ टाइपिस्ट, स्टामबेंडर और शपथ आयुक्त भी हड़ताल में शामिल हुए। वकीलों की हड़ताल गुरुवार को भी जारी रहेगी। गरीब और निर्धन बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शासन द्वारा लागू किए गए शिक्षा का अधिकार कानून RTI के निजी स्कूल संचालक समकर थच्ची उड़ाने में लगे हैं। संचालक न केवल प्रवेश देने के नाम पर आनाकानी कर रहे हैं, बल्कि जिन बच्चों को कानून के दबाव में आकर प्रवेश दे दिया गया है, उन्हें नए कानून कायदों का हवाला देकर स्कूलों से बेदखल करने में लगे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। संचालकों की मनमानी को लेकर बुधवार को युवा कांग्रेस द्वारा जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। गरीब और निर्धन बच्चों के लिए बड़े और निजी स्कूल में पढ़ाई करना अब सपना बनते जा रहा है। दरअसल गरीब बच्चों के सपनों को निजी स्कूल संचालक नियम कायदों का हवाला देकर तोड़ने में लगे हैं। गरीब और निर्धन बच्चे भी बड़े और निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने शिक्षा का अधिकार कानून RTI लागू किया है। मगर कानून की निजी स्कूल संचालक धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। या तो स्कूल संचालक प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को कानून के दबाव में आकर प्रवेश दे दिया है उन्हें नए कानून कायदों का हवाला देकर स्कूल से बाहर कर रहे हैं। इसी से जुड़ा ताजा मामला आदर्श शिशु विहार का सामने आया है। कजराना निवासी खुशबू खान ने अपनी बच्ची सानिया खान को स्कूल में पिछले साल नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाया था। बच्ची 86% अंक के साथ उत्तीर्ण हुई थी। इस साल बच्चे के अभिभावक ने जब KG फर्स्ट में प्रवेश दिलाना चाहा, तो स्कूल संचालकों ने यह कहकर पढ़ाने से इनकार कर दिया कि बच्ची की 75% कक्षा में उपस्थिति नहीं है और शासन के नए नियमानुसार बच्ची को स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। बच्ची की मां सानिया खान के अनुसार बच्ची पूरे समय स्कूल गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में स्कॉलरशिप के बहाने बुलाया गया और एक कागज पर साइन करवाकर उक्त फरमान सुना दिया गया। सानिया खान के अनुसार अन्य 6 बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सर, पिछले साल RTE में हमने आवेदन करा था इस बच्ची का, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए गरीबी रेखा के आधार पर हमने इसको एडमिशन दिलवाने के लिए आवेदन करा था, तो आदर्श शिशु विहार में करा था सर। और आदर्श शिशु विहार से लगभग 2 महीने बाद फ़ोन आया कि आपका बच्ची का आप एडमिशन इसमें करवा दीजिए करके, तो वहाँ हमने एडमिशन करवाया। साल भर तो सर सही निकला, अच्छे नंबरों से पास भी हुई है, लगभग 86 मार्क्स से पास हुई वहाँ पर स्कूल में। और हमने रेगुलर सर इसको स्कूल भी भिजवाए ये सोचकर कि अच्छे स्कूल में हुआ है तो हम छुट्टियाँ ना करवाए। और इसके बाद में सर अभी भी उन्होंने सारा कोर्स मंगवा लिया, ड्रेसें वगैरह मंगवा ली, और अब अचानक उन्होंने स्कॉलरशिप के नाम से बुलाया झूठ बोलकर कि आपकी बच्ची को स्कॉलरशिप मिलने वाली है अल्पसंख्यक कुछ उसमें, और आने के वहाँ बुलाने के बाद में एक कागज़ में उन्होंने साइन करवाए स्कॉलरशिप के नाम पर, और बाद में जब साइन करवा लिया उसके बाद में वो ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि 75% से कम अटेंडेंस होने की वजह से आपकी बच्ची को निकाल दिया गया है। गौरतलब है कि RTI कानून की धज्जियां उड़ाने में सेंट रफेल स्कूल सहित अन्य स्कूल भी पीछे नहीं है। सेंट रफेल सहित अन्य स्कूल जांच के घेरे में है। इधर निजी स्कूल द्वारा RTI कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। धज्जियों के विरोध में बुधवार को युवक कांग्रेस द्वारा जिला शिक्षा विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया और प्रभावित बच्चों के अभिभावकों को जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल से मिलाकर वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया गया। आपको नाम नहीं लेंगे, बात कर रही है कि इधर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अमन बजाज ने बताया कि RTI कानून की धज्जियां शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालकों की साठगांठ से उड़ाई जा रही हैं। इस मामले में युवक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।
हमारे पास ढेर मामले हैं इस संबंधित। हमारे पास जैसे सानिया खान की गुड़िया है, आदेश शिशु विहार की गुड़िया है, इनको 75% जो कि एक आरटीई का नियम होता है कि 75% अटेंडेंस से अगर कम हो तो बच्चे को निकाल दिया जाता है। ऐसे कई अनेक कारण बना बनाकर स्कूल प्रबंधन बच्चों को निकालने की साजिश रचता है और उसके अंदर जिला शिक्षा विभाग के कई अफसर मिले रहते हैं। तो युवक कांग्रेस ने मुद्दा उछाला है और युवक कांग्रेस इसको अंतिम लड़ाई तक लड़ेगी। उधर जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल ने कहा कि आरटीआई नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राइट टू एजुकेशन और अन्य मामलों पे इनका जो ज्ञापन मिला है उसका अध्ययन करके और जो मामला है उसको पूरी तरह दिखाएंगे और बच्चों को राहत मिले, उनके पेरेंट्स को राहत मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। जो भी स्कूल आरटीई के अंतर्गत आते हैं वहाँ सभी स्कूलों में जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनके बच्चे जो हैं उनको प्रवेश मिल जाए, इसको हम सुनिश्चित। बहरहाल अब देखना यह है कि प्रदर्शन के बाद हरकत में शिक्षा विभाग के अफसर निजी स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इंदौर जिले के 55 सरकारी स्कूलों को बंद करने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार को युवा कांग्रेस द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान नंदनगर सरकारी स्कूल को राजनीतिज्ञों के शिकंजे से मुक्त करने की आवाज भी उठी। प्रदर्शन के दरमियान शिक्षा विभाग की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल को ज्ञापन भी दिया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जोशी ने मीडिया से कहा कि बिना सर्वे के सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है। नंदनगर के दो स्कूल ऐसे हैं जहां पूरे साल भर शादियां पार्टियां होती हैं, उनका खुद का सगा छोटा भाई वहां टेंट लगाता है। शिक्षा विभाग ने ससुरिया तो वहां शादी होने की परमिशन कैसे दी? आज भी शादी होती पर्ची रमेश मंदला घर से कटती है। नंदनगर में जो गणेश जी बैठते हैं 10 दिन का, वो कौन सा गोल स्कूल कौन सा है? वो माताजी का प्रोग्राम होता है, गोल स्कूल है नंदनगर में, वहाँ की पर्ची कटती उनके नाम से। सरकारी स्कूल है। जब ये तय कर दिया गया था कि सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार का आयोजन नहीं होगा, न शादी का कार्यक्रम होगा, न ही कोई अन्य होगा। युवा कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की धमकी भी दी है। पुलिस का अपराधियों व गुंडों में भय कायम रहे इसके लिए शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में त्योहारों से पहले रेपिटेक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेष द्रुत कार्य बल ने पंडरीनाथ थाने से क्षत्रिबाग तक मार्च निकालकर आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना जगाने का प्रयास किया। मार्च में रेपिटेक्शन फोर्स के 62 जवानों समेत स्थानीय पुलिस अधिकारी व जवान शामिल हुए। आगामी त्योहार और शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से आरएएफ की 107वीं बटालियन के 62 जवानों ने पंडरीनाथ थाने से छत्रबाग तक मार्च निकाला। मार्च निकालने का मकसद भौगोलिक परिस्थितियों व समाज के लोगों से परिचय करना था। 107वीं वाहिनी कमांडेंट विवेक सक्सेना ने मीडिया को बताया कि 15 जुलाई तक ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। ड्यूटी के लिए पूरे भारतवर्ष में 10 वाहिनियां तैनात की गई हैं, जो कि सभी संवेदनशील इलाकों में उनके मुख्यालय स्थित हैं और वो एक 400 किलोमीटर के दायरे में अपना पूरा क्षेत्र उनके अधीन आता है। इसी क्रम में 107 वाहिनी जो कि भोपाल में स्थित है, ये इंदौर उसी के अधीन आता है। हम लोग इसी के उसमें हम लोग यहाँ पे परिचय अभ्यास करने आए हुए हैं। वहीं सीएसपी रुपेश द्विवेदी ने बताया कि त्योहारों के पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की दृष्टि से मार्च निकाला गया। आज आरएएफ की कंपनी के साथ में और उनके अधिकारियों के साथ में थाना पंडरीनाथ और थाना छत्रीपुरा क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आगामी आने वाले त्यौहार के समय में शांति व्यवस्था बनी रहे और पूरे क्षेत्र को जो बाहर की जो कंपनी आरएएफ की कंपनी आएगी उसको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हो और फैमिलाइजेशन हो और बदमाशों में भय रहे, इसके लिए आगामी त्यौहार और व्यवस्था को मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया। गौरतलब है कि द्रुत कार्यबल की भोपाल टुकड़ी को प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों का कार्यभार भी मंत्रालय ने सौंप रखा है। हत्या के मामले में लंबे समय से फरार व इनामी आरोपी कपिल सोनकर को पिस्तौल और उसके दो साथियों के साथ क्राइम ब्रांच ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। कपिल सोनकर सियागंज में हुई हम्माल की हत्या के मामले में कई महीनों से फरार था, उस पर 10,000 का इनाम था।
सेंट्रल कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कोतवाली और भवरकुआ थाना क्षेत्र के फरार लिस्टेड गुंडे और कांग्रेसी नेता कपिल सोनकर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इंदौर से ही गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी मनोज राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि सियागंज में जुलाई 2012 को ही हम्माल मनोहर वर्मा की हत्या का कपिल मुख्य आरोपी है। पुलिस ने कपिल सोनकर को मास्टरमाइंड मानते हुए हत्या और षड्यंत्र रचने की धारा में आरोपी बनाया था। तभी से कपिल सोनकर की कोतवाली पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। एडिशनल एसपी राय ने बताया कि कपिल को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे समय से हाथ पैर मार रही थी। एक हफ्ते से क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर, सागर और भोपाल में भटक रही थी। क्राइम ब्रांच ने कपिल के इंदौर आने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कपिल सोनकर, राहुल राजपूत और भरत तंवर को बिचोली हप्सी के एक मकान से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल व 4 कारतूस भी जब्त किए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जनता ने चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाकर कांग्रेस को नकार दिया है और मुझे आश्चर्य लगा कि मेरी जमीन और पता उनको है जो मुझे पता ही नहीं कि मेरी जमीन कहाँ है। राजनीति में जाने अनजाने में भी कमर के नीचे वार नहीं करना चाहिए। और मैं तो पत्रकार रहा हूं तो मैं फिर जैसे को तैसा जवाब देता हूं। मैंने समय दिया कि 7 दिन में उस जमीन का खुलासा करो और नहीं तो 7 दिन के बाद मैं सज्जन वर्मा जी के घर पर सांकेतिक धरना दूंगा कि झूठ बोलने का प्रायश्चित करो। जैसे नमा नर्मदा को गाली दी थी उन्होंने, अपमानित किया था तो 2 दिन के अंदर इनको माफी मांगनी पड़ी थी। और मुझे पूरा विश्वास है मैं भारत का पहला सांसद हूं जो अपनी प्रॉपर्टी की घोषणा हर साल करता हूं, कितनी बढ़ी कितनी घटी। और एक सामान्य भारत के नागरिक से अधिक प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। मैं संसद में वो व्यक्ति हूं जिसके पास सबसे कम प्रॉपर्टी है। और नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी का खुलासा हो जाए और सज्जन वर्मा की प्रॉपर्टी का खुलासा हो जाए। संसद का जो सर्वे आता है उसमें करोड़पति सांसदों में मेरा नाम नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष झा ने कांग्रेस के सांसद सज्जन सिंह वर्मा पर भी हमले बोले। वर्मा द्वारा जमीन और संपत्तियों संबंधी लगाए गए आरोपों के संबंध में कहा कि किसके पास बेतहाशा संपत्ति है यह छिपा नहीं है। झा ने वर्मा को कानूनी नोटिस देने और उनके घर के बाहर धरना देने की बात भी कही। वहीं एक अन्य पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश महामंत्री नंदन कुमार चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है। यह सरकार किसानों का शोषण करने में लगी हुई है जिससे किसानों में निराशा का वातावरण बना हुआ है। चौहान ने बुधवार को मीडिया से चर्चा के दौरान आगे कहा कि एक साल में रसायन खाद सहित अन्य कृषि उत्पादित वस्तुओं के भाव दुगने हो गए हैं। इसका असर अन्य क्षेत्रों पर सीधा पड़ रहा है। चौहान ने आगे जानकारी दी कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में 15 जुलाई को भोपाल में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लाखों किसान भाग लेंगे और केंद्र सरकार के शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे। माननीय प्रभात झा जी ने पूरे किसान मोर्चा को और भारतीय जनता पार्टी को आह्वान किया है कि भोपाल में केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष का जो शंखनाद होना है उसके लिए और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अभिनंदन के लिए बड़ी संख्या में किसानों को वहां एकत्रित होना है। प्रदेश भाजपा महामंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 0% ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बीजेपी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए गरीब किसानों के साथ 15 जुलाई को भोपाल में कड़ा विरोध करेगी। यह बात बीजेपी नेताओं ने बुधवार को संभागीय समिति की बैठक में कही। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने देश की बागडोर संभालने वालों को गरीबी की परिभाषा का ज्ञान न होने की बात भी कही। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मौजूद प्रदेश महामंत्री नंद कुमार चौहान का कहना था कि खेती में उपयोग में आने वाली खाद के दाम को केंद्र सरकार ने एकदम बढ़ाकर गरीब किसानों की कमर तोड़ दी है। महामंत्री ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश के किसानों को एकजुट होकर विरोध करने की बात कही। साथ ही महामंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के खातिर जो फैसले लिए हैं वे तारीफ के काबिल हैं। पार्टी के आह्वान पर जितनी संख्या हमने बताई है भाइयों बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है जितनी संख्या हमारे जिलाध्यक्षों ने आपके भरोसे लिखाई है कि हमारी सेना, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी जो आंकड़ा हमने दिया है उसको पूरा करके उसके आगे निकलेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे। बैठक के आखिर में प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, स्पीकर मीरा कुमार और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी देश के मर्ज को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो देश की गरीबी क्या दूर करेंगे, जिसके चलते प्रदेश के किसानों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के विरोध में किसान परिवारों के उन लोगों को भी भोपाल बुलाने की बात कही है जो महंगाई से त्रस्त हुए हैं। और जब ये हुआ तो हमें लगा कि नहीं, इसको गांव गांव तक पहुंचाना चाहिए। ये भारत के इतिहास का 16 जून 2012 यदि कभी लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि 0% ब्याज देने वाला मुख्यमंत्री कौन था, उसका नाम होगा शिवराज सिंह। बैठक में इंदौर, खरगोन, खंडवा, धार, झाबुआ और अलीराजपुर से आए पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इंदौर नगर निगम को 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मंगलवार को भोपाल में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निगम आयुक्त योगेंद्र शर्मा को प्रदान किए। इन पुरस्कारों को बुधवार को निगम आयुक्त शर्मा ने महापौर कृष्ण मुरारी मोघे को सौंपा। महापौर हाउस में पुरस्कार सौंपे जाने के दौरान महापौर सहित अन्य अफसरों ने खुशी जाहिर की। महापौर ने इस अवार्ड को इंदौर और नगर निगम के लिए गौरवशाली बताया। उसमें मध्य प्रदेश में इंदौर अव्वल रहा और विशेष रूप से जो ऑनलाइन हमने टैक्स वाला मामला किया उसमें 8 देशों के लोगों ने जिनकी प्रॉपर्टी इंदौर में है उससे टैक्स जमा किया और लगभग मैं समझता हूँ कि 1000 लोगों के करीब ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसके ऊपर अपने कमेंट्स भेजे जो बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं। निश्चित रूप से उस चीज़ की सराहना ये देशव्यापी नहीं तो विदेशों में भी चर्चा रही, ये इंदौर के लिए गौरव की बात है। निगम आयुक्त योगेंद्र शर्मा ने भी पुरस्कार को आईटी के क्षेत्र में निगम की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि निगम आईटी क्षेत्र में और भी सुविधाओं को जोड़ने जा रहा है। गौरतलब है कि नक्शा विभाग में ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के मामले में सरकार द्वारा इंदौर नगर निगम को पहले पुरस्कार से नवाजा है। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। कोर्ट ने बेटी की गवाही पर फैसला सुनाया। 31 मार्च 2011 को गोपाल कुमावत निवासी नकी नगर की उसकी पत्नी ज्योति कुमावत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोट कर हत्या कर दी थी। कोर्ट में मृतका की बेटी ने गवाही दी थी कि उसकी माँ और अंकल कमल ने मिलकर उसके पति को मुंह दबा कर गिराया और घर में रखी गाड़ी उसके पापा के ऊपर गिरा दी, फिर माँ की साड़ी से पिता का गला कसकर मार डाला। थाना एरोड्रम ने केस दर्ज कर मामले की जांच के बाद दोनों को आरोपी बनाया था। शासन की ओर से पैरवी कर रहे वकील राय सिंह चावड़ा ने बताया कि कमल और ज्योति के बीच अवैध संबंध थे, इसलिए उन्होंने गोपाल की हत्या कर दी थी। इसमें 31 दिन 2011 को आरोपिया ज्योति और कमल ने मिलकर ज्योति के पति की हत्या की है गला दबाकर, और इसमें आजन्म कारावास 302/34 में हुआ है। ज़्यादा बुरा मामला था, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ था? प्रेम प्रसंग था ज्योति से कमल का, उसी तारतम्य इनने पति की हत्या की है जो पत्नी ने मिल दिया। बुधवार को न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाइक चोरी होने से एक छात्र को इतना गुस्सा आया कि उसने दूसरे की बाइक खींच चुरा ली।
चोरी की बाइक पर घूमते हुए छात्र को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। अब छात्र सलाखों के पीछे है। तुकोगंज पुलिस के गिरफ्त में नजर आ रहे इस आरोपी का नाम राहुल गुप्ता है। मूल रूप से टीकमगढ़ का निवासी राहुल इंदौर में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। राहुल जब इंदौर आया तो पिता ने उसे बाइक दिलवाई थी जो पिछले दिनों चोरी हो गई। बाइक चोरी होने से राहुल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने लिए बाइक चुराने का फैसला कर लिया। पिछले दिनों राहुल ने अपोलो टायर से अपनी बाइक जैसी ही एक बाइक चुरा ली। दिनांक 8/7 अपोलो टावर पार्किंग से अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल नंबर MP09NG3890 सुजुकी स्लिंग शॉट चुरा कर ले गया था। रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया। कल तलाश के दौरान करीब 7:15 दिलपसंद गार्डन के पास रोड पर एक व्यक्ति न्यू प्लासिया में चोरी गई मोटरसाइकिल लेकर जाता दिखा, जिसे रोका, कागजात पूछे, नहीं होना बताया। बारीकी से पूछताछ करने पर इसने स्वीकार किया कि अपोलो टावर से ये मोटरसाइकिल चोरी की है। राहुल को पुलिस ने मंगलवार शाम चेकिंग के दौरान पकड़ा। राहुल से जब चेकिंग कर रही पुलिस ने गाड़ी के पेपर मांगे तो वो कागज नहीं दिखा पाया। बाद में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल लिया। पुलिस हिरासत में राहुल ने माना कि उससे गलती हो गई थी। क्या नाम है? बहरहाल एक चोर ने एक छात्र को भी चोर बना दिया। वो चोर जिसकी वजह से राहुल ने चोरी की वो तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन राहुल सलाखों के पीछे है। सपना संगीता रोड स्थित होंडा शोरूम में फाइनेंस कंपनी के एक अधिकारी से कुछ लोगों ने मारपीट की। राजपाल होंडा शोरूम के सेल्स मैनेजर कैलाश ने बताया कि HDFC बैंक के फाइनेंस अधिकारी ऋषिराज सिसोदिया अपना काम कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने शोरूम में आकर उनसे अपशब्द कहे और मारपीट शुरू कर दी। एक कस्टमर आया, कोई फाइनेंसर बैठा था, उसे कुछ फाइनेंस हुआ नहीं, वो उसका कार्यालय हुई बुला ली। एकदम बंदे कुछ कितने लोग आएंगे? 50 लोग थे। आया मारपीट चालू कर। क्या नाम था जिनके साथ मारपीट हुई? ऋषिराज सिसोदिया, HDFC बैंक के थे वो। फिलहाल जून इंदौर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खजराना में हुई मंगलवार शाम सिलसिलेवार चाकूबाजी के विरोध में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के नेताओं ने एक साथ SSP को ज्ञापन दिया, जिसमें क्षेत्र में नशे के व्यापार पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने की मांग की गई। खजराना क्षेत्र में भैयू सुरीला और आरिफ उज्जैनी ने मंगलवार शाम नशे की हालत में जमकर तांडव मचाया था। दोनों ने 7 लोगों को चाकू मार कर घायल कर दिया था। इस घटना से क्षेत्र में दहशत है। बुधवार सुबह खजराना की कांग्रेसी पार्षद रुबीना इकबाल खान व भाजपा नेता नासिर शाह ने अपने समर्थकों के साथ मामले को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। दोनों पार्टी के नेताओं ने एक साथ SSP साई मनोहर को ज्ञापन दिया और क्षेत्र में फैले नशे के कारोबार को जल्द बंद करवाने की मांग की। घटना को लेकर हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है। कल नशे में धुत दो युवक पूरे खजराने में उन्होंने आतंक मचाया और बेचारे मासूम लोग जो खड़े हुए थे उन्हें उनके ऊपर तलवार और उनके हाथ में चाकू और रिवाल्वर वगैरह सब थी और उसको उन लोगों को जो मतलब किस बेकसूर थे उन लोगों पे हमला किया। उनसे पैसे मांग रहे थे, उगाही कर रहे थे। ये सब देखिए हो रहा है नशे की वजह से। इस कदर नशे की चीज़ें खजराने में बिक रही हैं। आप देखिए दरगाह के सामने उन्होंने अड्डा बना रखा है, एक नाइट्रावेट से लेकर गांजा, अफीम, चरस, ये सब चीज़ें इस कदर बिक रही हैं कि वो बच्चे जो हैं कम कम उम्र के उसके नशे के आदि होते जा रहे हैं। जैसे मुट्ठी भर पुलिस वाले इतने सारे 2,00,000 लोगों की आबादी में कैसे शिकंजा कस सकते हैं इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। बेचारे लोग जब वो हथियार लेके लोगों पे निहत्ते लोगों पे हमला करेंगे तो लोग क्या करेंगे? ये तो पुलिस करना चाहिए ना, पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए। वो निहत्ता आदमी उनसे मुकाबला थोड़ी ना कर सकता है, मरने आएगा क्या वो? खजराना में जो कल घटना घटी उसमें सख्ती से उन पे ऐसे लोगों पर जुलूस निकाल के खुले रूप से जिस तरीके से बेगुनाह लोगों को उन्होंने मारपीट करी उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों का जुलूस निकाल के पुलिस गुंडों में भय पैदा करे और अच्छी कार्रवाई हो जिससे आम लोगों में अच्छा मैसेज जाए सरकार और पुलिस प्रशासन का, जिससे ये लगे कि पुलिस शहर में है। दोनों ही नेताओं ने कंट्रोल रूम के बाहर नारेबाजी कर क्षेत्र में फोर्स बढ़ाने की मांग की।
खजराना क्षेत्र में सिलसिलेवार 7 लोगों को चाकू मारकर घायल करने वाले कुख्यात आरोपियों में से एक आरोपी भैयू सुरीला को राजेंद्र नगर पुलिस ने खजराना के इमली चौक से पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों से हमले में उपयोग किए गए चाकू भी बरामद किए। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि आरोपी ने 23 जून को भी एक गिट्टी व्यवसायी से लूट की थी, जिसमें आरोपी ने पीड़ित की कार व सोने की चेन समेत 4,000 रुपये नकद लूटे थे। लूट के बाद से हम लोग इसके पीछे पड़े थे, तो धीरे धीरे विवेचना के बाद इसका नाम, इन लोगों का नाम सामने आया था और हम इसकी तलाश में लगातार प्रयास कर रहे थे। कल इन लोगों ने, अब इन्हीं अपराधियों ने कल खजराना क्षेत्र में भी गंभीर वारदातें चाकूबाजी की, जिसमें वहाँ भी मुकदमा कायम है और सराफा के कई मामलों में से एक आध मामलों में संदेहास्पद हैं। मुखबिर तंत्र की सूचना और परिवारजनों से घेराबंदी करने के बाद आज इनकी सूचना मिली खजराना में कि वो अपने घर के पास ही जो पीपल चौक है वहाँ पास में है। तो टीआई खजराना की टीम, टीआई राजेंद्र नगर की टीम, मैं और सीएसपी शैलेंद्र सिंह, सब लोगों ने घेराबंदी की। क्राइम ब्रांच के कुछ लोगों को भी बुलवाया था। राजेंद्र नगर के 2 पुलिसकर्मियों को पहचानते थे, उन्होंने तत्काल इसको पकड़ लिया और इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सुरीला पर अन्य थानों में भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस को फिलहाल उसके साथी की भी तलाश है, जो घटना के बाद से ही फरार है। गौरतलब है कि आतंक का पर्याय बने दो बाइक सवार बदमाशों ने खजराना क्षेत्र में सिलसिलेवार 7 लोगों को चाकू मार कर घायल कर दिया था, जिसके बाद से ही दोनों को पुलिस तलाश कर रही थी। आइए एक नजर न्यूज फास्ट की ओर। बुधवार सुबह केसरबाग रोड पर एक गाय ने जमकर उत्पात मचाया। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह से ही क्षेत्र में एक गाय अचानक राहगीरों को मारने के लिए दौड़ने लगी। गाय ने क्षेत्र में रहने वाली मीना नामक 10 वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद निगम कर्मियों ने गाय पर काबू पाया, तब जाकर रहवासियों ने राहत की सांस ली। महल कचहरी के लोगों ने सुबह क्षेत्र में एक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल क्षेत्र में कमल वर्मा नामक बिल्डर एक मल्टी का निर्माण करवा रहा है। बिल्डर ने यहां एक गली को ड्रेनेज लाइन डालने के लिए खुदवा दिया है। इस खुदाई के कारण लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विरोध स्वरूप लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीटीवी न्यूज। श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का हुआ प्रीव्यू। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने प्रदर्शित की चमचमाती ट्रॉफी। भारत में सबसे पहले इंदौर में हुआ प्रदर्शन। वर्ल्ड कप ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम में रहा मंत्री गुट का जोर। MPCA सदस्य को नहीं मिली तवज्जो। नाराज मेनर और भार्गव ने किया बहिष्कार। CET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की होगी जांच। विद्यार्थियों के हंगामे के बाद कुलपति ने की जांच कमेटी गठित। जांच के बाद की होगी काउंसलिंग। 2 स्थानों पर क्राइम ब्रांच का छापा। स्कूल की आड़ में चल रहा नकली मीठी सुपारी का कारखाना व पैकेजिंग फैक्ट्री पकड़ी। 15 से 20 लाख का माल जब्त। निजी स्कूल उड़ा रहे RTE कानून की धज्जियां। गरीब बच्चों को नहीं दे रहे प्रवेश। प्रवेश पा चुके बच्चों को कर रहे बेदखल। संवेदनशील क्षेत्रों में किया रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च। त्योहारों के पहले पुलिस की तैयारी। और हत्या का फरार इनामी गुंडा कपिल सोन कर गिरफ्तार। कई महीनों से था फरार। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस की सक्रियता का असर।